तो कहानी शुरू होती है इस लड़की से जिसका ये आदमी जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन ये अपने आप को बचाती है, उसको लात मारती है तो ये आदमी उसी मौके पर मर जाता है। तो इस हीरोइन को जेल में लाया जाता है और उसको सज़ा मिलती है 4 साल की। उसके बाद हीरोइन को जेल में लाया जाता है जहाँ पर इनको नहला के इनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं कैदियों वाले। उसके बाद अपने रूम में आती है, अपने एक रूम पार्टनर से मिलती है। उसके बाद वो ग्राउंड में आती है, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि इसको खास पसंद नहीं करती, वो इससे लड़ाई करती हैं, इसको मारती पीटती हैं। तो यहाँ पर एक डॉक्टर आती है, वो इसका इलाज करती है। उसके बाद उस जेल का जो वार्डन होता है वो हीरोइन को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुमने ये क्या किया, तुम लड़ाई झगड़ा ना किया करो। और वो हीरोइन को कहता है अगर तुम्हें इस जेल में बचे रहना है तो तुम्हें मेरा काम करना होगा जो मैं चाहूँ वो। उसके बाद हीरोइन को कहता है कि चलो मुझे बीजे दो, तो इसे मजबूरन उसको बीजे देना होता है। उसके बाद हीरोइन का मूड ख़राब होता है और वहाँ पर आते हैं कुछ लोग, कुछ लड़कियाँ कैदी होती हैं वो भी, तो उसकी उनके साथ फिर से लड़ाई होती है। तो यहाँ पर भी ये लड़की फिर से उनको लोगों को कूट देती है और फिर लड़की को लेकर आया जाता है वार्डन के पास और वार्डन फिर से कहता है कि चलो फिर से मुझे बीजे दो तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। उसके बाद लड़की उसको बीजे दे के आती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है और वो कहती है कि मैं करूँ, कुछ करूँ या ना करूँ, रोज़ मुझे बीजे और मतलब मेरे साथ गलत काम होता है, मैं क्या करूँ। तो इसकी सहेलियाँ इसको कहती हैं कि तुम नशे करना शुरू कर दो। उसके बाद ये नशे करती है और नशों में इतना भयंकर डूब जाती है, ये उसकी एडिक्ट हो जाती है। उसके बाद फिर से मारा पीटी करती है, जहाँ पर उसके बाद ये वार्डन फिर से उसको अपने कमरे में बुलाता है, उसको थोड़ा सा नशा देकर कि भाई वो उसके पीछे से गलत काम करता है। उसके बाद ऐसा लड़की के साथ रोज़ाना बार बार होने लगता है। तो डॉक्टर को बोलती है कि मैं मर जाऊंगी अगर ऐसा ये सब चलता रहा तो, और इसका कोई भी दोस्त इसको सपोर्ट नहीं करता था। और फिर से वो मारा पीटी करती है, तो अब की बार वार्डन फिर से उसको अपने कमरे में बुलाता है, लेकिन ये उसके साथ सारे काम करने से मना कर देती है, ना बीजे ना फैक्स। तो वार्डन इसको 4-5 दिन के लिए एक अंधेरी काल कोठरी सी में बंद कर देता है, वहाँ ये अपने आप को मारने की कोशिश करती है। उसके बाद वहाँ पर उसको डॉक्टर मिलती है, वो इसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, उसको बता देती है कि मेरे साथ वार्डन बहुत ही गलत काम कर रहा है। उसके बाद ये उसको अच्छे से ट्रीट करती है और हीरोइन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वार्डन इस डॉक्टर को ही मरवा देता है। उसके बाद हीरोइन इस अपनी एक दूसरी दोस्त की मदद लेती है, वो कहती है कि मैं वार्डन की करतूत पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, मतलब बहुत लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो वो उसको देती है एक मोबाइल जो कि छुपा के रखती है वो। उसके बाद वार्डन उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती बहुत बार उल्टे सीधे काम करता है और यहाँ पर हीरोइन उसकी वीडियो बना लेती है। उसके बाद वहाँ पर आती है एक टीम जो कि इन लोगों से पूछती है, इनसे पूछताछ करती है कि इनका बिहेवियर कैसा रहा जेल में। तो बारी आती है यहाँ पर हीरोइन की, तो ये वार्डन बोलता है कि ये हीरोइन जो है ठीक ठाक है, इतने मतलब इतनी बिगड़ी नहीं है, इसकी सज़ा माफ़ की जा सकती है, लेकिन इसको कुछ टाइम तक यहाँ पर और रहने दीजिए, मैं अभी इसको ले जाने की मंजूरी नहीं देता आपको, कि इसकी मतलब बाकी की सज़ा माफ़ करने की मंजूरी नहीं देता। लेकिन तभी ये हीरोइन अपने पंजाबी से निकालती है वो फ़ोन और वार्डन की सारी करतूत इन लोगों को दिखा देती है और यहाँ पर वार्डन सस्पेंड हो जाता है। और यहाँ पर ये लोग हीरोइन को शाबाशी देते हैं कि तुमने बहुत ही हिम्मत से काम लिया है, इतनी बड़ी पोल तुमने खोल दी है, यहाँ पर जेल में बहुत लोगों के साथ बहुत गलत चीज़ हो रही थी। और हीरोइन का यहाँ पर बाइज्जत बरी किया जाता है। उसके बाद वो अपनी माँ से मिलती है, अपनी माँ के साथ मिलकर वो शालो बजाती है और करोड़पति बन जाती है और अपनी लाइफ को एक अच्छे मकाम पर ले जाती है, और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगर आप ये फिल्म आप पर्सनली देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारी मूवीज़ मिलेंगी। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।